खबर मंगलौर से है, जहां उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों के मालिकों और उनमें काम करने वाले लोगों को अपना सत्यापन करना होगा। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाले अस्थायी ढाबों और होटलों के मालिक प्रोपराइटर का नाम नहीं लिखते, जिसके चलते कई बार कांवड़ मेले के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांवड़ मेले के दौरान इन अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोपराइटर का नाम लिखा होना अनिवार्य है। वहीं ऐसे में अब उत्तराखंड ने भी इन अस्थायी दुकानों, होटलों और ढाबों के मालिकों और उनमें काम करने वाले लोगों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोपराइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितने भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोपराइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जब जब हम लोग की मीटिंगें होती हैं उसमें जो तय होता है उसी आधार पे दोनों स्टेट्स में हम लोग कार्रवाइयाँ करवाते हैं। जैसे जितने ढाबे वाले हैं, जितने खाना परोसने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं, दूसरी चीज़ पर ये सारी व्यवस्थाएँ जो लोगों को दिखे, जो भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको पता चले कि किसके वहाँ पे खाना खा रहे हैं, और जिन लोगों को ये परमिशन वगैरह दे रहे हैं हम SDM लेवल पे, उसमें ये सुनिश्चित भी कराएंगे कि उसमें फूड की क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो, तो खाद्य विभाग इसमें लगातार चेकिंग।